दोस्तों, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं या ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना हो और सबसे बड़ी बात जिसमें मार्जिन ज़बरदस्त हो। अभी नया नया एक प्रोडक्ट एंटर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मार्जिन मिल रहे हैं और अलग अलग देशों से इसकी ज़बरदस्त डिमांड आ रही है। हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको सबसे पहले हम ही बताते हैं कि किस प्रोडक्ट में आपको काम करना चाहिए जिसमें 100-200% मार्जिन हो। मोस्टली हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो यार मार्जिन तो अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इस बड़े ट्रेड का फायदा क्या जब मैंने 2-5% ही कमाना है। खुद सोचिए, 2-5% कोई इनकम होती है यार, कुछ भी नहीं होती। यानी 10 लाख का कंटेनर भेज रहा हूँ और उस पर अगर 2% मार्जिन है, 20,000 कमाओ, फिर फायदा क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का यार, जब 10 लाख के कंटेनर पे 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख नहीं कमाया। चलिए आ जाइए, अब बताता हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, ये है राइस पेपर। अब कहेंगे सर ये कौन सा पेपर है, पेपर के नाम से हमें कागज़ याद आता है नॉर्मली, ठीक है, अलग अलग कागज़ याद आएंगे, नहीं ये राइस पेपर है। इसका फ़ायदा क्या है, ये एडिबल है, खाया जा सकता है, स्टार्ची होता है, थिन होता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ख़ास तौर से बाहर के देशों में ये रैप में आज की डेट में यूज़ होने लग गया। आप जब मार्केट में उतरते हैं, रोल खाते हैं, रैप खाते हैं ना, वेज भी आते हैं, नॉन वेज भी आते हैं, क्या होता है ज़्यादातर रुमाली रोटी होती है, मैदे की रोटी होती है, उसमें उसी को रैप में करके दे देते हैं। बट क्या है मैदा तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, हेल्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान रहता है मैदे का, बहुत नुकसान होता है मैदे से, फैट बहुत ज़्यादा होता है। जिम वाले तो बिल्कुल मना करते हैं कि भैया सबसे पहले तो मैदा ही छोड़ो। तो अब क्या हो गया, राइस पेपर एक सब्स्टिट्यूट आ गया, हेल्दी सब्स्टिट्यूट आ गया, एक नया प्रोडक्ट आ गया और सबसे बड़ी बात दिखने में अच्छा। मतलब नॉर्मल आपने मैदे की रुमाली रोटी टाइप की, लेकिन ये है कि इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि अगर मैं इसमें रैप बनाता हूँ तो उसकी ये समझो लुक्स ही चेंज हो जाती है। इवन खाने में भी जब मैं वो रैप खाता हूँ, यानी कोई वेज रोल है या नॉनवेज का रोल है, उसमें ये राइस पेपर को लपेटता हूँ और उसके बाद उसको खाता हूँ तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब टेस्ट भी अप्रॉक्स 40-60% एज कम्पेयर टू मैदे के रैप से ये बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे सर ये बनता किससे, देखिए ये बनता है राइस स्टार्च से, ये बनता है दूध से, मिल्क से, और ये बनता है बनाना से। तो आप खुद सोचिए, तीनों ही तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब जितने भी बाहर वेज रोल यूज़ हो रहे हैं, रैप यूज़ हो रहे हैं, उसमें आज की डेट में यूज़ किया जा रहा है, तो बाहर के देशों से इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी आ रही है। क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, मार्केट में कोई जानता नहीं, तो आँख बंद करके लोग इसमें कमा रहे हैं और हम चाहते हैं भाई आप भी कमाओ और आप भी पैसा बनाओ। लेकिन देखो यार, सीधी सी बात है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो बिना नॉलेज के बिल्कुल मत करो, और अगर नॉलेज चाहिए प्रैक्टिकली सीखना है तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती रहती है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, हम आपको लाइव एक्सपोर्ट होते हुए, लाइव इंपोर्ट होते हुए, सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको फील्ड पे ले जाके सिखाते हैं, हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, ताकि कल को आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता हो। जैसे थाईलैंड में इसे मलबरी पेपर बोलते हैं, जापान में वाशी पेपर बोलते हैं, कोरिया में हैंजी पेपर बोलते हैं, नेपाल में लोकता पेपर बोलते हैं। अब बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले लो फैट होता है, दूसरी बात इस ये जो मार्केट में जो अलग अलग आपको ये रैप मिलते हैं, मैदे के रैप मिलते हैं, ये क्या है, ये जो हाई कैलोरीज जो होती हैं इसके अंदर, वो इसको रिप्लेस कर रहा है। यानी ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और बहुत ही लो कैलोरी का होता है। अगर मैं बात करूँ आपको कौन से देशों को टारगेट करना है, तो इसकी टॉप इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले अर्जेंटीना, बहुत अच्छा अर्जेंटीना इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहा है, उसके बाद है कोस्टा रिका, और फिर है उरुग्वे, फिर है बोलीविया, फिर है इक्वाडोर, फिर है पनामा, चिली, पेरू, इथियोपिया और पराग्वे। अब अगर मैं बात करूं इसके इंसेंटिव्स की, हमारी सरकार इस पे क्या क्या इंसेंटिव दे रही है, तो लेकिन भैया इंसेंटिव से पहले आपको एचएस कोड के बारे में पता होना चाहिए। चलिए बताता हूँ इसका एचएस कोड क्या है। इसका एचएस कोड है 1905-9010। तो ये इसका एचएस कोड है। अगर मैं बात करूँ सरकार क्या इंसेंटिव दे रही है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक 0.15% इस पे दे रही है, रोड टैप आपको इसमें 1% मिलेगा, TMA 14,200 मिलेगा आपको एक 20 फिट के कंटेनर पे, रीफर कार्गो है तो 31,500 रुपये मिलेंगे, और बाय एयर भेज रहे हैं तो 2.24 रुपये पर KG मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मार्जिन की।
इंडिया में ही, अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, इंडिया में ही इसका मार्जिन क्या है, 100 ग्राम राइस पेपर आपको 150 से 300 रुपए के आसपास का रेट पहुँचा हुआ है इसका। 100 ग्राम होता कितना है, कुछ सोचो, यानी अगर 300 रुपए का 100 ग्राम 3000 रुपए किलो, कुछ सोचो, इंडिया में ही इतना मार्जिन मिल रहा है। अगर यही चीज़ बाहर भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो यही सीधा डबल कर लो। अब ये चॉइस आपकी है, मैंने प्रोडक्ट बता दिया है, उठाइए, बेचिए और पैसा कमाइए। और अगर कोई क्वेश्चन है फिर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.